हेलो एवरीबॉडी, मैं ललन कुमार एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एल के एजुकेशन 24 में। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस के द्वारा परसेंटेज निकालना। एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस आखिर होता क्या है? बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एब्सोल्यूट क्या होता है। एब्सोल्यूट करने का मतलब है किसी भी चीज़ को, किसी भी सेल को एब्सोल्यूट करना, करने का मतलब उसको फिक्स करना है आपको कि हाँ, जैसे कि हम क्या करते हैं, जब भी हम इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं, तो यहाँ पर जैसे हम लोग इसको लेकर इसको ड्रैग करते हैं तो क्या होता है, ये जो रेफरेंस है ये इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस होता है। ये रिलेटिव होता है जो साथ में इन दोनों को ऐड करते हैं। जैसे हमने इसको और इसको ऐड करा और यहाँ पर उसका कुल निकल कर आता है यहाँ पर यदि, तो जब हम इसको ड्रैग करते हैं तो इसका और इसका आ जाएगा, इसका और इसका दोनों का ये क्या है, कुल ये आता जाएगा, क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंस है। लेकिन है क्या, जब आप एब्सोल्यूट करते हैं तो यदि आप चाहें तो इसको और इसको जोड़ करके आप रेफरेंस निकलिए जोड़ेंगे तो हमेशा फिर इसको लेगा और इसको लेगा, इसको लेगा और इसको लेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको क्या क्या फिक्स किया, इन इस कॉलम के साथ हमने क्या करा है, इसको फिक्स कर दिया है। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस। कहने का मतलब किसी भी सेल को एब्सोल्यूट करना है, इसका यानी को फिक्स करना है आपको कि भाई जहाँ भी ड्रैग करेंगे ये हमारा साथ चलते चला जाएगा। तो कैसे इसको फिक्स करते हैं, चलिए आज हम बताएंगे आपको। फिक्स करने का क्या होता है कि आपको डॉलर का निशान लगाना होता है। वो डॉलर का निशान कैसे लगाते हैं, F4 को हम प्रेस करते हैं। जैसे आप F4 प्रेस करेंगे तो डॉलर का चिन्ह लग जाएगा और वह जो सेल है वह एब्सोल्यूट हो जाएगा, यानी कि फिक्स हो जाएगा। तो चलिए पहले हम प्रतिशत निकाल के आपको दिखाई देते हैं। ठीक, तो प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको कुल निकालना होगा। यहाँ पर आपको नाम दिखा हुआ दिख रहा है, हमने टेबल बनाया परीक्षार्थियों का, परीक्षा का परिणाम है। ये नाम है सोहन कुंज बिहार या कंचा बिहार हुई, और ये हिंदी गणित और विज्ञान में अलग अलग तरह के इन्होंने नंबर प्राप्त किया है, लेकिन इनका अधिकतम अंक क्या है 300 है, यानी कि तीन विषय आपका हिंदी गणित और विज्ञान, तो 300 नंबर का ये टोटल इनका एग्जाम है, उसमें इन्होंने नंबर प्राप्त किया। तो पहले कुल ज्ञात करते हैं। कुल ज्ञात करना बहुत आसान है। कुल ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले करेंगे इक्वल टू को प्रेस करेंगे, इसके बाद आप इस पर क्लिक कीजिए और प्लस का आइकन को दबाइए, यानी कि प्लस कीजिए, फिर इसको कीजिए, फिर प्लस कीजिए और फिर इस पर क्लिक कीजिए। ओके, इसके बाद फिर प्लस आपको नहीं दबाना है। क्यों? क्योंकि जैसे आप लास्ट सेल में पहुंचते हैं, प्लस कब करते हैं, जब हमको अगला को जोड़ना होता है। तो आगे तब मुझे कुछ जोड़ना नहीं, क्योंकि हमको तीन विषय चाहिए था, हिंदी गणित और विज्ञान, तीनों विषय हमने ले लिया है, तो प्लस नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, इंटर दबा देंगे। ठीक, तो ये 168 नंबर निकल करके आ जाता है इसका नंबर। ठीक, तो ये अभी क्या है, अभी रिलेटिव सेल रेफरेंस चल रहा है। अभी मैं अभी हमने किसी को ये क्या किया, किसी को हमने फिक्स नहीं किया है ना, किसी को फिक्स नहीं किया, रिलेटिव है। तो जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे, तो जैसे हमने इसको तीनों को जोड़ा था, तो ये अब ये तीनों जोड़ करके आ जाएगा, और ये फिर इसके बाद ये तीनों, मतलब क्योंकि ये रिलेटिव में चल रहा है अभी। ठीक ना, तो इसको एब्सोल्यूट कैसे करते हैं बताएंगे हम आगे। तो चलिए पहले इसको जोड़ लेते हैं। ठीक, यहाँ से हमने ऐसे किया और इसको ड्रैग कर दिया। ओके, हम सबका सब जोड़ मुझे मिल गया। ठीक, अब देखिए, जब जानना है कि कौन कौन, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए, जब क्या C4 D4 और E4, देखिए ये देखिए, ये आपका C4 है। ठीक, यहाँ देखिए सी कॉलम और रो क्या फोर थे, C4 D4 और E4 तीनों को जोड़ा। ठीक, अब जहाँ इस पर भी जाइएगा, डबल क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पता चल जाएगा कि क्या हुआ। ठीक, तो सॉरी ये गलत हो गया है, मैं इसको फिर से जोड़ देता हूँ। ओके, ठीक, तो अब चलते हैं हम प्रतिशत निकालते हैं। ठीक, प्रतिशत निकालने क्या करना आपको, प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो बराबर का चिन्ह देंगे ही देंगे। ठीक, किसी भी फार्मूला को, एक साल का ये नियम है कि किसी भी फार्मूला को लागू करना, तो सबसे पहले आपको क्या करना, इक्वल टू का चिन्ह को आपको दबाना है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, कुल जो नंबर हमको मिला है, जो नंबर प्राप्त नंबर है, प्राप्त नंबर गुने 100 बटा कुल नंबर, यानी कि अधिकतम अंक जितना है उसमें कितना नंबर प्राप्त किया, उसी से हम लोग प्रतिशत निकालते हैं। तो हमने क्या किया, इसको किया ओके मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड और डिवाइडेड बाई कुल। तो कुल कितना है 300, यदि आप यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट 300। ठीक, तो ये प्रतिशत तो सही निकलेगा, मान लीजिए प्रतिशत तो आ गया। ठीक, अब इसको आप ड्रैग भी कर देंगे तो ये टोटल का टोटल प्रतिशत निकल जाएगा। लेकिन ये क्या है, आप एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस के द्वारा नहीं निकालेंगे, एब्सोल्यूट नहीं हुआ, किसी भी सेल को आपने एब्सोल्यूट नहीं किया है। तो ये यदि पंचायत सचिव का आप सपोज कीजिए स्किल टेस्ट देने गए हैं और वहाँ पर दे के नहीं आपको निकालना है एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस के द्वारा ही, तो वहाँ पर यदि आप इस तरह से डायरेक्ट निकालते हैं जैसा कि मैंने अभी निकाला, तो आपको क्या है, वहाँ पर नंबर कम आएगा या तो नंबर कट जाएगा। ठीक, तो कैसे इसको एब्सोल्यूट करना है, देखिए क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह दबाएंगे। ओके, हमने कुल को लिया मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड और डिवाइडेड बाई अधिकतम अंक किस सेल में लिखा हुआ, इस सेल में। ठीक, तो हमने इसको कर दिया। लेकिन क्या है, ये जो सेल अभी तो हम कर दिए, लेकिन ये जो सेल है वह यहाँ पर बगल में तो है नहीं, तो रिफरेंस रिलेटिव तो लेगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, हम फिक्स कर देंगे। इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, F4 प्रेस करेंगे। ओके, जैसे ही हमने F4 प्रेस कर दिया तो देखिए आपको यहाँ पर जो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, क्योंकि मैं बाद में करता हूँ, पहले इसको क्लिक करता हूँ। ये मेरा सॉरी दोस्त गलत हो गया है, मैं फिर से कर देता हूँ। बराबर का चिन्ह लिया, हमने इसको किया मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड और डिवाइडेड बाई
इस सेल को लेंगे और हम F4 प्रेस करेंगे, इसके बाद हमने इंटर दबा दिया, कितना निकल गया 56। अब आप क्या करेंगे, इसको जैसे ये करके ड्रैग करेंगे तो आपको टोटल के टोटल परसेंटेज जो है वह आ जाएगा, और आप इस तरह से उसको फिक्स करके और निकाल सकते हैं। अब जैसे आपको फार्मूला जानना है कि किस फार्मूला के द्वारा ये आया, तो इस पर जाकर आप डबल क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हुआ, F5 × 100 बाई, ये देखिए आपको सेल दिख रहा है कौन सा, आपको D8 दिख रहा है, D8 यानी कि ये देखिए D जो है आपका कॉलम है और 8 जो क्या है रो है। मैं इसका चेंज कर देता हूँ पहले, सॉरी मैं इसको ठीक से फिर से ठीक कर देता हूँ, ओके मैं इसका कलर ही चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा से दिख जाए कि क्या फार्मूला है, उसको मैं कलर चेंज करने के लिए ये कलर ले लेता हूँ, ओके। अब आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ जाकर डबल क्लिक कीजिए फार्मूला दिख रहा है, ये देखिए डॉलर का चिन्ह लगा हुआ है ना, डी के पहले डॉलर है और एट के पहले डॉलर है, मतलब ये जो है D8 जो ये जो आपका सेल है ये क्या हुआ है, एब्सोल्यूट हो चुका है, मतलब इसको आपने फिक्स कर दिया है। तो यही होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के द्वारा किसी भी डाटा का प्रतिशत निकालना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के द्वारा कैसे हम प्रतिशत निकालते हैं। तो और किसी तरह का वीडियो यदि आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं अगली बार उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं फिर अगली बार एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।